नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह नवीनवाद से। दोस्तों, इस वक्त मैं उपस्थित हूँ कांदरी गांधी चौक में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पूजनीय महात्मा गांधी जी की ये स्टैचू यहाँ पे है, लेकिन ये इस चौक में आने के बाद हमारी नज़रों को बहुत जोर डालना होता है तो जाके कहीं यहाँ गांधी जी की ये स्टैचू हमें दिखाई पड़ती है। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले एक साल से ज़्यादा हो चुके हैं और महात्मा गांधी जी की जो नई वाली स्टैचू है वो ग्राम पंचायत में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्टैचू यहाँ पे लगाया नहीं जा रहा है। माझे म्हणणं हे जे आहे, 1.5 वर्ष झाली मुहूर्त आणून पडले गांधीजी ग्राम पंचायतमध्ये, त्याबद्दल बा चंटा मुक्तीचे पैसे भेटले ते बनवल्या पाहिजे, मीटिंगमध्ये पास झालं सगळं काही झालं, मग अजून काही मुहूर्त बसून ना राहिलं का कारण आहे त्याच्यासाठी जे आपण हे म्हणून राहिलो कोणाला हे काऊन नाही बसून राहिले बा। पैसे भी दे दिया गया है लेकिन जिसके पास टेंडर है और ग्राम पंचायत की जो है उसकी उसके तरफ से कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा आप लोगों का कहना है। ग्राम पंचायत से रुका हुआ है। अच्छा, खुद होके पूछते हैं कि बोलते काम क्यों रुका, कारण वो जाने। हमने उनको पूछे कि काम क्यों नहीं हो रहा, तो तंटा मुक्त अध्यक्ष बोलते कि हम तैयार है, ये लोग काम नहीं बढ़ा रहे। रोज जाते उनके पास, मगर लोग कुछ तंटा मुक्त अध्यक्ष आया था वो दिन, बोले क्यों नहीं बैठा रही मूर्त भाई, आपने तो सब दिए है उसको पैसा आड़ के, ये तो क्यों रुका है, पैसा सब रेडी है क्यों रुका है। बोले पता नहीं क्यों नहीं रुका था, मैंने खुद बोला वो ग्राम पंचायत जाने। सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जिसको टेंडर मिला है ये कार्य करने का, उसके तरफ से बहुत भारी लापरवाही बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक और बात पता चली है कि जो ग्राम पंचायत के जितने भी टेंडर्स होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष को ही दिया जाता है, भले ही उनके नाम से टेंडरिंग ना हो, उनके किसी मित्र या फिर किसी सपोर्टिव के नाम से टेंडरिंग डाली जाती है और उसमें एक भारी जो है भ्रष्टाचार उसे बोल सकते हैं, वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं ग्राम पंचायत में हूँ, मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई मित्र है उसके नाम से मैं टेंडरिंग डालाऊँगा और टेंडरिंग डालाने में मैंने उसे बोला है कि वो टेंडरिंग बहुत सस्ते में होनी चाहिए, अगर सीमेंट की मार्केट वैल्यू 280 रुपये है तो मेरा जो आदमी होगा वो मार्केट वैल्यू 260 के हिसाब से टेंडरिंग डालेगा। इसके हिसाब से क्या होगा कि टेंडरिंग जो डाला जाता है वो सबसे सस्ते में होती है और जिसकी वजह से टेंडरिंग उसको मिल जाता है। टेंडरिंग मिलने के बाद वो मेरे पास आता है और मैं सेटिंग के करके जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे जो खर्च होते हैं वो कम होते हैं और वहाँ पे वो पैसा मैनेज कर लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ग्राम पंचायत में उपस्थित उनके तरफ से एक कार्य किया जाता है और पिछले कई वर्षों से यहाँ इस कांदरी ग्राम पंचायत अंतर्गत जो टेंडर होते हैं जो भी कार्य होते हैं वो किसी एक ही व्यक्ति को जाता है, जिसकी वजह से परेशानी ये है, लोगों में बहुत भारी निराशा दिखाई दे रही है। जो गांधी जी का नया पुतला डालने का जो कार्य निर्माण यहाँ पर शुरू है वो कब से शुरू है, इस पर मतलब क्या किस प्रगति से कार्य हो रहा है, कार्य में प्रगति है या नहीं है यहाँ पे? यहाँ से कम एक साल से कार्य चल रहा है, बहुत ही लापरवाही यहाँ पे दिख रही है ग्राम पंचायत की। यहाँ पे ग्राम पंचायत ना तो कोई एक्शन लेने को तैयार है ना ही कुछ करने को तैयार है। ये कांदरी की बहुत ही बड़ा चौक है यहाँ पे और ये सौंदर्यीकरण यहाँ पे रुका है, बहुत ही शर्म की बात है। 2 अक्टूबर 2017 तक यहाँ मूर्ति स्थापित हो जाएंगी और यहाँ पूरा मतलब सौंदर्यीकरण पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक की कुछ एक्शन ग्राम पंचायत ने ली नहीं। बात कांदरी के सबसे बड़े चौक की हो और वो भी बात जिसमें राष्ट्रपिता का जिक्र हो और उसके बावजूद भी कार्यप्रणाली में कोई सुधार ना हो ग्राम पंचायत की तरफ से, फंड आने की भी देर ना हो, फंड भी आ चुकी हो, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत की तरफ से एक भारी लापरवाही जब दिखाई दे तो कहीं ना कहीं शर्म आती है कि क्या इनके मन में राष्ट्रपिता के लिए कोई सम्मान नहीं है। मुझे याद है कि 15 अगस्त जब कांदरी ग्राम पंचायत अंतर्गत जब आम सभा हुई थी मैं स्वतः वहाँ उपस्थित था और उस आम सभा के बाद ऐसा फैसला लिया गया था सार्वजनिक रूप से कि 15 अगस्त के बाद जो 2 अक्टूबर आने वाले होगा उसमें नई मूर्ति जो है गांधी जी के वो स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन वो अक्टूबर बीत चुके हैं, उसके बाद 26 जनवरी की आमसभा हो चुकी है और इस प्रकार से जो है ये अगस्त में एक साल होते आ जाएंगे आमसभा होने को और उस सार्वजनिक रूप से गांव के सामने जो फैसला लिया गया उसके बावजूद भी इस पर कोई असर या फिर उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि क्या चुनाव के टाइम पे या फिर लोगों के सामने वादे करके
मुकर जाना ये ग्राम पंचायत की एक नीति बन चुकी है, जिसका जीता जाता जागता उदाहरण हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में कांदरी में और भी कई समस्या है को लेकर हम आप तक आएंगे, और इसके साथ साथ टेंडरिंग जो ग्राम पंचायत में जितने कार्य निकलते हैं वो टेंडर किसको जाता है और टेंडर किस प्रकार पास होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या होता है, वो सार्वजनिक रूप से आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। और इसके चलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवी, नमस्ते।